हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज चैनल। आज है 8 जुलाई। स्वागत है आप सभी का आज करंट अफेयर सीरीज़ में। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन आर करेक्टली मैच्ड। ऑप्शंस हैं, जो सतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश, निम्बू वैलीज है लद्दाख, चुम्बी वैली है सिक्किम। तो बताइए इनमें से कौन से कोर्ट जो ऊपर दिए गए हैं उनमें से कौन से सही है। जो ए है 1 एंड 2, बी है 2 ओनली, सी है 2 एंड 3 ओनली, डी है ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, जो हमारा सतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अरुणाचल प्रदेश और भूटान की बॉर्डर को टच करते हुए ही अभी हाल ही में इसमें काफ़ी बहस भी चल रही है। जो ये सेंचुरी है भूटान और इंडियन बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश को टच करते हुए है। तो इसमें जो हमारी जो रेड पांडा होते हैं और हिमालयन मोनाल है ये वहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं। जो निम्बू विलेज है ये लोकेट करता है हमारा लेह जो लद्दाख में है और ये फेमस है हमारे कॉन्फ्लुएंस ऑफ द इंडस एंड जास्कर रिवर्स हैं, इनके कॉन्फ्लुएंस पे निम्बू है। ठीक है, जो निम्बू विलेज है इन दोनों कॉन्फ्लुएंस से बना हुआ है। और जो तीसरा है चुम्बी वैली, सो ये है एक ट्राई जंक्शन बिटवीन सिक्किम भूटान एंड तिब्बत बॉर्डर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा ये देखिए, जो हमारे ये बॉर्डर है यहाँ पे ये देखिए मैप में, देखिए यहाँ पे मैकमोहन लाइन है। जो हम यहाँ पे मैप में देखने वाले हैं, इस मैप में हम देखेंगे कि ये देखो, ये है लाशा, ये है मैकमोहन लाइन। ये जो एरिया है यहाँ पे ब्लू एरिया डॉटेड एरिया हैं, ये सब डिस्प्यूटेड एरिया हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट में चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट में है, ये चाइना के साथ है, ये तिब्बत के साथ है, यहाँ पे भूटान के साथ है और ये भी यहाँ पे चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये सारे डिस्प्यूटेड एरिया हैं जो अभी चल रहे हैं। सो आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। सो जो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट वन है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट 2015 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। स्टेटमेंट टू है, इट सर्व एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू द मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी। सो बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट्स हैं। जो ए है 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है बोथ 1 एंड 2, डी है नाइदर 1 नॉर 2। सो फ्रेंड्स, बताइए जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है तो इसके अंतर्गत इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन वन इज़ इनकरेक्ट। सो जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी था वो इस्टेब्लिश करा गया था 1992, जो ब्रियो अर्थ समिट हुआ था उस टाइम पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और जो स्टेटमेंट टू है वो फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू 5 कन्वेंशन, तो इसके अंदर जो CBD, UNFCCC, POP, UNCCD एंड मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो स्टेटमेंट टू हमारा करेक्ट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू विंटर डीजल, इट लॉसेस इट्स फ्लूडिटी फंक्शन इन एक्सट्रीम विंटर कंडीशन एंड हैज़ लोअर सल्फर कंटेंट। जो दूसरा स्टेटमेंट है, इट मीट्स द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन BS 6 ग्रेड। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हमारा विंटर डीजल है इसके रिस्पेक्ट में बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो पहला है 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है बोथ 1 एंड 2, डी है नाइदर 1 नॉर 2। सो फ्रेंड, जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी ओनली स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट। ओके, जो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, क्यों? जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है कि इस जो स्टेटमेंट बी हमारा सही है, स्टेटमेंट टू हमारा सही था और स्टेटमेंट वन हमारा गलत था। तो ये क्यों था? जो इंडियन आर्म फोर्स है जिसको विंटर डीजल फॉर ऑपरेटिंग इन हाई एल्टीट्यूड एरिया सच एज लद्दाख, ये बनाई गई थी जो, तो उसके अंतर्गत इन्होंने बोला है जो फ्लूडिटी फंक्शन इन एक्सट्रीम विंटर कंडीशन एंड हैज़ लोअर सल्फर कंटेंट, तो ये स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है। तो गलत क्यों है? क्योंकि जो विंटर डीजल है ये कंटेंट क्या करता है, एडिटिव्स कंटेंट्स करता है जो क्या होता है, लोअर विस्कोसिटी होती है जिनकी। तो ये -30 डिग्री टेम्परेचर पर भी क्या कर देते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनमें जो सल्फर कंटेंट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, विच विल लूट लोअर डिपॉजिट इन इंजन्स एंड बेटर परफॉर्मेंस, और इनसे क्या होती है, हमारे जो परफॉर्मेंस होती है इंजन्स की क्या होती है, बेटर होती है। ठीक, इट डज़ नॉट लूज इट फ्लूडिटी फंक्शन एंड
Even in extreme winter condition, unlike the normal grade of diesel, which become difficult to utilize in such extreme winter condition. तो जो हमारे BS6 इंजन है तो इट जो हमारे BS6 इंजन है तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर ये मीट वो अच्छे तरीके से कार्य करता है. ठीक है, आगे चलते हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मार्स ऑर्बिट मिशन. सो जो इस पहला स्टेटमेंट है, द मिशन एम्स ए स्पेसिफिक सर्च ऑफ मीथेन इन मार्टिन एटमोसफियर. स्टेटमेंट टू है, इट इज़ द इसराइल फर्स्ट मिशन टू द रेड प्लानट एंड फर्स्ट एंट्री इन टू इंटर प्लानटरी स्पेस फ्लाइट. तो बताइए जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है इसमें हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो ए है वन ओनली, बी है टू ओनली, सी है बोथ वन एंड टू, डी है नीदर. जो ऑप्शन डी है नीदर वन नॉर टू. सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए, जो वन स्टेटमेंट वन है, इट एम्स इट स्पेसिफिक रिसर्च ऑफ मीथेन इन द मार्शियन एटमोसफियर. तो ये हमारा करेक्ट है. जो ये है फर्स्ट मिशन टू द रेड प्लानट एंड फर्स्ट एंट्री इन टू प्लानटरी स्पेसक्राफ्ट, ये क्या है, गलत है. क्योंकि जो हमारा फर्स्ट मिशन टू द रेड प्लानट है उसका नाम है मंगलयान. ठीक, एंड फर्स्ट मिशन टू द रेड प्लानट एंड फर्स्ट एंट्री इन टू प्लानटरी स्पेस फ्लाइट, ये हमारा क्या है, मंगलयान है. तो इसलिए जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है क्या था, गलत था. तो जो इसरो मंगलयान था उसने जो फर्स्ट फोटो ली थी फोबोस की, जो क्या है सबसे बड़ा मून है किसका, मार्स का. ठीक है, तो जो हमने फर्दर जो स्पेसिफिक रिसर्च करी थी फॉर मीथेन इन मार्शियन एटमॉस्फेयर, तो ये इसी के लिए है जो इसमें. और आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, MSME इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम दैट एम्स टू सपोर्ट द इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ फाइनेंस इनटू द हैंड्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इन इंडिया वाज रिसेंटली साइंड बिटवीन इंडिया एंड. तो बताइए दूसरा कौन सा था इसमें जिसमें MSME की ऊपर साइन करा गया है इंडिया के द्वारा. सो बताइए, ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. सो फ्रेंड्स बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा. जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक. जो वर्ल्ड बैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने हाल ही में $750 मिलियन का एग्रीमेंट करा है MSME इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम के साथ, जो कि किसके लिए काम आएगा, टू सपोर्ट द इंक्रीज फ्लो ऑफ फाइनेंस इन टू द हैंड्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मिडल MSME के अंदर जो आएगा. ठीक है, जो अभी COVID-19 की जो क्राइसिस चल रही है उससे बचने के लिए उन्होंने MSME से हाथ मिला लिए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. ठीक है, तो यहीं पर हमारी कुछ समाप्त होती है. अपना स्कोर बताएं कमेंट सेक्शन में. थैंक यू.